Assalamu alaikum, dear students. I am Alina Naeem from Department of Zoology, Superior College, Wazirabad. And today I am here with you with the second lecture of Wildlife of Pakistan. So welcome to the lecture. In the previous lecture, we discussed about the existing wildlife of Pakistan in mountainous ranges and Indus floodplains. Okay, हमने बात की थी जी पाकिस्तान के माउंटेनियस एरियाज जितने भी हैं वहाँ पे कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है और उसके बाद हमने डिस्कस किया था जी इंडस फ्लड प्लेन्स में जो भी वाइल्ड लाइफ हमारे पास जो भी फाना और फ्लोरा पाकिस्तान में प्रेजेंट है. आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में जो पाकिस्तान के डेजर्ट्स में जो भी वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है और उसके अलावा डिफरेंट प्रोविंसेस में. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान. डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में डेजर्ट्स कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं. ठीक है, तो पाकिस्तान में फाइव टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का डेजर्ट है वो थर डेजर्ट है जो कि सिंध प्रोविंस में प्रेजेंट है. ठीक है, उसके बाद थल डेजर्ट जो है वो पंजाब में प्रेजेंट है, बक्कर के एरिया में, और उसके अलावा बहावलपुर पंजाब में जो है वो चोलिस्तान डेजर्ट प्रेजेंट है, और इसके अलावा जी खारान डेजर्ट जो है हमारे पास बलूचिस्तान में प्रेजेंट है, और इसके अलावा जो कोल डेजर्ट है पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में वो सकरदू में प्रेजेंट है. पाकिस्तान के डेजर्ट्स को अगर हम मैप पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो मैप है ये फोर डेजर्ट्स को जो है वो शो कर रहा है. इस मैप का लेजेंड अगर हम देखें तो कलर्स के साथ रिप्रेजेंट किया गया है कि कौन से डेजर्ट को किस कलर से जो है वो मैप पे शो किया गया है. तो अगर हम सबसे पहले बात करें जी थर्ड डेजर्ट की, ठीक है, तो थर्ड डेजर्ट हमारे पास कहाँ है जी, ये देखें सिंध में हमारे पास ये थर्ड डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है एरिया में सबसे ज़्यादा. उसके बाद अगर हम बात करें जी चोलिस्तान डेजर्ट की तो वो पंजाब के साउदर्न पार्ट में प्रेजेंट है और ये जो है वो साउदर्न साइड से ही थर्ड डेजर्ट के साथ मिल जाता है. अगर हम इसके बाद थल की बात करें जो हमारे पास थर्ड डेजर्ट है तो ये प्रेजेंट है जी जेहलम और इंडस रिवर के दरमियान में पोटोहार रीजन के करीब. उसके अलावा अगर हम फोर्थ डेजर्ट की बात करें तो वो हमारे पास प्रेजेंट है जी बलूचिस्तान में, ठीक है, हरान डेजर्ट. और अगर हम फिफ्थ डेजर्ट की बात करें जो कि हमारे पास कोल्ड डेजर्ट है गिलगित बल्तिस्तान में जो कि सकरदू में प्रेजेंट है, वो है हमारे पास कटपन्ना डेजर्ट. और ये देखें जी अगर हम यहाँ पे शो करें तो ये पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में गिलगित बल्तिस्तान में ऑलमोस्ट यहीं पर जो है वो सकरदू प्रेजेंट है और जहाँ पे हमारे पास फिफ्थ डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रेजेंट है. ठीक है जी, चलें जी अब हम बात कर लेते हैं कि इन फाइव डेजर्ट्स में कौन कौन सी जो है वो वाइल्ड लाइफ हमारे पास प्रेजेंट है. सबसे पहले हम थल एंड चोलिस्तान डेजर्ट की जो है वाइल्ड लाइफ डिस्कस करेंगे. चूंकि ये दोनों डेजर्ट जो है वो पंजाब प्रोविंस में प्रेजेंट है इसलिए इन दोनों की वाइल्ड लाइफ को जो है वो हम कंबाइन स्टडी कर सकते हैं. डेजर्ट एरिया है, एरिड कंडीशंस हैं, तो स्वीयर क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से लिटिल वेजिटेटिव कवर जो है वो अवेलेबल है. ठीक है, और ग्रेजिंग एनिमल्स, कुछ ग्रेजिंग एनिमल्स की जो है वजह से वहाँ पे और ज़्यादा जो है वो वेजिटेटिव कवर जो है वो लिटिल वेजिटेटिव कवर वो भी रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, और जिसकी वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है. ठीक है, उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ कुछ एनिमल्स जो हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट हैं. और जो एनिमल्स प्रेजेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमनली जो है वो चिंकारा गजेल, ठीक है, चिंकारा डियर वहाँ पे पाया जाता है. अगर हम बात करें प्लांट्स की, फ्लोरा की, तो स्मॉल श्रब्स, हर्ब्स और कुछ मेडिसिनल पर्पजेज़ के लिए भी हर्ब्स यूज़ होती हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट हैं, और इसके अलावा कुछ ट्रीज़ की स्पीशीज़ भी प्रेजेंट हैं. ठीक है, उसके अलावा थल और चोलिस्तान के कुछ एरियाज़ में जो है वो इरिगेशन की भी अब जो है वो कोशिशें की जा रही हैं. और जहाँ तक बात है वाइल्ड लाइफ स्पीशी की, तो सबसे ज़्यादा कॉमन है चिंकारा, और वो भी जो है वो चोलिस्तान में मोस्टली प्रेजेंट होता है और थल में जो है वो बहुत कम. फिर हम बात करते हैं जी थल एंड चोलिस्तान में चिंकारा गजेल के अलावा और कौन सी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज प्रेजेंट है. पहले ब्लैक बक्स जो है वो यहाँ पे प्लेंटीफुल थे, यानी कि लार्ज नंबर उनका जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट था चोलिस्तान में स्पेशली, लेकिन अब जो है उनके नंबर्स भी रिड्यूस हो चुके हैं. और उसके अलावा ब्लू बुल्स जो हैं वो पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे जो है, जैसे कि ये चोलिस्तान जो है वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे ही प्रेजेंट है चोलिस्तान डेजर्ट, तो स्मॉल नंबर ऑफ ब्लू बुल्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं. उसके अलावा अगर हम बर्ड स्पीशीज की बात कर लें तो हमारे पास ग्रे पैट्रिज, सैंड ग्राउस और इंडियन कोर्सर, और उसके अलावा पी फाउल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं चोलिस्तान के कुछ एरियाज में. इन सब एनिमल्स की जो है पिक्चर्स जो हैं वो नेक्स्ट अवेलेबल हैं, तो उनको हम इनके नेम्स को जो है वो हम इनकी पिक्चर्स के साथ भी देखेंगे. उसके अलावा जी इंडियन वाइल्ड एस और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं.
हम बात करते हैं जी थर्ड डेजर्ट की, जो सिंध में प्रेजेंट है और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बड़ा जो डेजर्ट है, ठीक है, वहां पे कौन सी वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है, ठीक है। सिकारा गजेल की फेयर पॉपुलेशन थर्ड डेजर्ट में भी प्रेजेंट है, चूंकि चोलिस्तान जो है वो सऊदर्न जब एक्सटेंड करता है तो थर्ड डेजर्ट से भी मिलता है, इसलिए कुछ स्पीशीज वाइल्ड लाइफ स्पीशीज जो हैं वो इनकी आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे वहाँ पे हमने पीकॉक्स की बात की थी चोलिस्तान में, तो यहाँ पे थर्ड डेजर्ट में भी पीकॉक्स प्रेजेंट हैं वाइल्ड में, और जी कहा जाता है कि वहाँ पे कुछ जो चूंकि थर भी जो है वो पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे ही प्रेजेंट है, तो वो हिंदू कम्युनिटीज़ जो हैं वो उनकी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करती हैं, जिसकी वजह से अभी भी जो है वो पीकॉक्स कुछ पीकॉक्स की स्पीशी जो है वाइल्ड में अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड एयर्स की बात करें, जैसे पहले हमने बात किया जी चोलिस्तान में भी इंडियन वाइल्ड एयर्स जो है वो पाया जाता है, तो वो इंडिया के जो पोर्शंस हैं वहाँ से माइग्रेट करके आ जाता है पाकिस्तान की साइड पर, ठीक है। तो वहाँ पर भी जो है वो इंडियन वाइल्ड एयर्स की स्पीशीज देखी जा सकती हैं। हुबारा बस्टर्ड की अगर हम बात करें तो ये एक माइग्रेटरी बर्ड है, ठीक है, और विंटर सीजन में जो है ये विजिट करता है हमारे डेजर्ट्स को, और इसकी बहुत ज़्यादा हंटिंग की जाती है, अब बहुत ज़्यादा बैन भी की जा चुकी है, कुछ लॉज भी बनाए गए हैं कि हबारा बस्टर्ड की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, इनका नंबर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एक्सेसिव हंटिंग की वजह से जो है वो इनके नंबर्स अब बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी यहाँ पे देखा जाता है, और इसके अलावा सैंड ग्राउज, ग्रे पैट्रिजेस भी यहाँ पे जो है वो फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं। उसके अलावा अगर हम रेप्टिलियन स्पीशी की बात करें तो पाइथन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन उसका स्टेटस भी थ्रेटन्ड है, यानी कि उसकी पॉपुलेशन भी खतरे में है। तीनों डेजर्ट की जो वाइल्ड लाइफ की हमने बात की, थल, चोलिस्तान एंड थर्ड डेजर्ट की, उसे हम जो है वो पिक्टोरियल व्यू के साथ रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखे जी चिंकारा गजेल, जो कि थर और चोलिस्तान में मोस्टली प्रेजेंट है और थल में भी पाया जाता है। फिर उसके बाद हमने बात की ब्लैक बक की, जिसके नंबर जो हैं वो पहले से रिड्यूस हो चुके हैं, इसका पॉपुलेशन साइज, और अभी भी लेकिन जो है इसके मेम्बर्स अवेलेबल हैं वहाँ पर। इसकी बात की हमने ब्लू बुल की, ब्लू बुल जो हैं वो पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद हमने बात की जी ग्रे पैट्रिजेस की और बर्ड्स में, उसके बाद हमने बात की सैंड ग्राउज की, उसके अलावा जी इंडियन कर्जर और पी फाउल, उसके बाद चिंकारा गजेल की तरह का जी दूसरा गजेल है हमारे पास इंडियन गजेल, इंडियन वाइल्ड एस, जो कि पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे प्रेजेंट है और अक्सर जो है वो इंडिया का चाइना बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आते हैं इन सर्च ऑफ फूड, और यहाँ थर्ड डेजर्ट में भी मोस्टली देखे जाते हैं, और उसके अलावा जी चोलिस्तान में भी प्रेजेंट है। उसके बाद जी हमने बात की इंडियन बस्टर्ड की और पाइथन की, जो इसका नंबर जो है वो अब जो कि थ्रेटन्ड स्पीशी है और इसका नंबर रिड्यूस हो चुका है। उसके अलावा जी तो पाकिस्तान में दूसरे जो डेजर्ट हैं, कटपन्ना डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, और जो है हारान डेजर्ट बलूचिस्तान में, वहाँ पे जो है वो मोस्टली ब्रीड्स प्रेजेंट हैं जो कि डोमेस्टिकेटेड हैं, जिसमें हारान कैमल आ जाते हैं, ठीक है, कैमल की ब्रीड है, और उसके अलावा गोट्स की ब्रीड है मोराक गोट की, लेकिन वो जो हैं वो क्या हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं। अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वो उन डेजर्ट्स में जो है वो बहुत कम पाई जाती है, सिर्फ वाइल्ड कैट्स जो हैं वो बलूचिस्तान के हारान डेजर्ट्स में जो है वो देखी जाती हैं, और इसी के साथ ही जो है वो हमारी डेजर्ट की वाइल्ड लाइफ कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान की प्रोविंस वाइज, ठीक है, कि कौन से प्रोविंस में पाकिस्तान की कौन सी वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है। अब जब हम प्रोविंस वाइज वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे तो ऑफकोर्स पहले हमने जोन से माउंटेनियस एरियाज पढ़े हैं, डेजर्ट्स पढ़े हैं और प्लेन्स पड़े हैं, वो जोन जोन से प्रोविंस में जो है वो प्रोविंस की बाउंड्रीज में आते हैं, तो ऑफकोर्स वहाँ की वाइल्ड लाइफ उस प्रोविंस की वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड होगी, ठीक है। तो जो पहले हम पढ़ चुके हैं वो भी हम जो है वो अब साथ साथ प्रोविंस वाइज भी उसमें देखेंगे। पाकिस्तान के मैप की जो है वो पहले ही बात कर सबसे पहले बात करते हैं हम जी फाइव प्रोविंस जो हैं वो हम पाकिस्तान के फाइव प्रोविंसेस हैं, जिसमें पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, केपीके एंड गिलगित बल्तिस्तान हमारे पास हैं, ठीक है। तो इन तमाम प्रोविंसेस की जो है वो लोकेशन मैप पे विजिबल है। इसके बाद ही हम इनकी वाइल्ड लाइफ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जी वाइल्ड लाइफ गिलगित बल्तिस्तान की। सबसे ज़्यादा रिच जो है डाइवर्स वाइल्ड लाइफ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में प्रेजेंट है, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में, ठीक है। माउंटेनियस एरियाज में जब हमने वाइल्ड लाइफ की बात की थी तो तब भी हमने वो वाइल्ड लाइफ डिस्कस की थी, ठीक है। तो अब जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की वाइल्ड लाइफ डिस्कस करते हैं।
भारल इज अ वाइल्ड एनिमल प्रेजेंट इन हाई हिमालयन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान, और भारल के अलावा हम इसे हिलान शहान ब्लू शीप, चाइनीज ब्लू शीप या हिमालयन ब्लू शीप भी कहते हैं, ठीक है। फिर हम जी नेक्स्ट आ जाता है यूरेशियन लिंक्स। यूरेशियन लिंक्स जो है ये रिमोट माउंटेनियस एरियाज में प्रेजेंट है, यानी कि जो पॉपुलेशन से फार डिस्टेंट माउंटेनियस एरियाज हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन बिल्कुल भी जो है वो अप्रोचेबल नहीं है, लेस अप्रोचेबल एरियाज हैं, वहाँ पे जो है यूरेशियन लिंक्स प्रेजेंट है और बल्तिस्तान में भी प्रेजेंट है। हिमालयन गोराल जो है वो हिमालयन रेंजेस के जो है वो फॉरेस्ट एरिया में प्रेजेंट है, और ये IUCN रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड स्पीशी है हैबिटेट लॉस की वजह से, और इसके अलावा जो है वो इसकी हंटिंग की जाती है मीट के लिए। नेक्स्ट वाइल्ड एनिमल इज मार्कोपोलो शीप। मार्कोपोलो शीप इज डिस्टिंग्विशेबल बिकॉज ऑफ इट्स बिग साइज, लार्ज साइज एंड स्पायरल हॉर्न्स। और मार्कोपोलो शीप जो है वो पामीर माउंटेन रीजन, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स के साथ साथ ही प्रेजेंट है, वहाँ पर प्रेजेंट पाई जाती है, और इनका स्टेटस जो है वो IUCN लिस्ट में जो है थ्रेटेंड है, एज अ थ्रेटेंड स्पीशी है, क्योंकि इनका पॉपुलेशन नंबर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ट्रॉफी हंटिंग है। ट्रॉफी हंटिंग क्या है जी? गेम हंटिंग, स्पोर्ट हंटिंग, रिक्रिएशनल पर्पजेज के लिए जो ह्यूमन है वो मार्कोपोलो शीप का जो है वो हंट करते हैं, और इसकी जो है वो डिफरेंट पार्ट्स जैसे इसके हॉर्न्स और स्किन एज अ ट्रॉफी यूज करते हैं, और बाकी जो कारकेस है बॉडी है एज अ मीट यूज की जाती है। अगर हम मैप पे देखें तो रेड स्पॉट्स जो हैं अपर नॉर्दर्न एरियाज में, रेड स्पॉट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मार्कोपोलो शीप की डिस्ट्रीब्यूशन को बताते हैं। गोल्डन मैरमट। गोल्डन मैरमट इज प्रेजेंट इन दियोसाई प्लेन्स, एंड दियोसाई प्लेन्स आर द हाई अल्टीट्यूड रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, एंड दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन हाईएस्ट प्लेट्यूज इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज येलो थ्रॉटेड मार्टन। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द दियोसाई प्लेन्स इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान विच आर हाई अल्टीट्यूड एरियाज। रेड फॉक्स। रेड फॉक्स इज प्रेजेंट थ्रू आउट मच ऑफ द नॉर्दर्न हेमिसफेयर, सिर्फ पाकिस्तान के ही नॉर्दर्न एरियाज में नहीं, बल्कि ये और भी जो जितने नॉर्दर्न हेमिसफेयर में जितने एरियाज फॉल करते हैं वहाँ पे जो है वो रेड फॉक्स प्रेजेंट होती है। इसके अलावा स्टीप्स ऑफ सेंट्रल एशिया, स्टीप्स ऑफ सेंट्रल एशिया यानी कि जो बेल्ट ऑफ ग्रास लैंड्स है, एक्सटेंडेड बेल्ट ऑफ ग्रास लैंड्स, वहाँ पे जो है वो रेड फॉक्स प्रेजेंट होती है। फिर हम बात करते हैं जी पलास कैट। पलास कैट जो है, मानूल भी हम पलास कैट को कहते हैं, ये स्मॉल वाइल्ड कैट है, और इसकी जो है वो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन फ्रेगमेंटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रासलैंड्स में प्रेजेंट होती है, और ये बलोचिस्तान, साउदर्न बलोचिस्तान और इसके अलावा जो है बल्तिस्तान में प्रेजेंट है। चिंकारा गजेल की बात करते हैं जी। चिंकारा गजेल को हम इंडियन गजेल भी कहते हैं, और इसके अलावा ये प्रेजेंट है मार्गला हिल्स में। मार्गला हिल्स जो है वो हिमालयन फुट हिल्स में जो है प्रेजेंट है। लेपर्ड कैट। लेपर्ड कैट की वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है जी मरी हिल्स, कगान वैली, आज़ाद कश्मीर, सवात, दीर, लोअर गिलगित एंड चित्राल में। एक स्मॉल वाइल्ड कैट है, और इसके जो पॉपुलेशन थ्रेट्स जो इसे फेस करते हैं वो हंटिंग है, और उसके अलावा जी हैबिटेट लॉस, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज याक, एंड याक इज प्रेजेंट इन द शिमशाल वैली इन गिलगित बल्तिस्तान। आगे हम बात करते हैं जी बर्ड्स की, जो गिलगित बल्तिस्तान में प्रेजेंट हैं। बर्ड स्पीशीज इसमें आ जाता है हमारे पास चकोर पैट्रिज। चकोर पैट्रिज इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, और इसकी नेटिव रेंज है एशिया और पाकिस्तान और कश्मीर में पाया जाता है ये। बात करते हैं जी यूरेशियन ईगल आउल की, जो कि साउदर्न हिमालयन रेंज में प्रेजेंट है, और इसके जो अल्टीट्यूड है ये बिलो 5000 फीट की एलिवेशन से नीचे नीचे प्रेजेंट होता है। हिमालयन मुनाल। हिमालयन मुनाल जो है वो पाकिस्तान के हिमालयन रेंजेस में प्रेजेंट है, और इसके अलावा जो है इसकी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हैबर पख्तूनहा में प्रेजेंट है। हैबर पख्तूनहा में पलास वैली, कगान वैली, वहाँ पर जो है वो इसकी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद जी हिमालयन स्नोकॉक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, नेपाल के अलावा जो है सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज, वहाँ पर जो है वो हिमालयन स्नोकॉक की पॉपुलेशन प्रेजेंट। तिब्बतन स्नोकॉक। हिमालयन माउंटेनियस रेंजेस इन पाकिस्तान, और समर में जो है ये हायर एलिवेशन पे प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल 4000 to 5000 meter एलिवेशन, और जो है विंटर्स में ये लोअर एलिवेशन की तरफ जो है वो डिसेंड कर जाता है ड्यू टू सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस।
हिमालयन टोड की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, नॉर्दर्न इंडिया और उसके साथ साथ एडजेसेंट कंट्रीज़ जो हैं बांग्लादेश, नेपाल और उसके अलावा चाइना में यूनान और तिब्बत, वहाँ पर जो है ये 2000 to 3500 meters की एलिवेशन पे प्रेजेंट होता है हिमालयन। मरी हिल फ्रॉग्स, मरी हिल फ्रॉग जो है वो हिमालयन फ्रंट पे प्रेजेंट है नॉर्दर्न इंडिया और पाकिस्तान की, और इसके नेचुरल हैबिटेट जो है वो हाई अल्टीट्यूड रिवर्स हैं, हाई अल्टीट्यूड स्प्रिंग्स हैं और अदर नेचुरल रनिंग वाटर बॉडीज विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉरेस्ट एंड ग्रास। नेक्स्ट इज एशियाटिक ब्लैक बियर। ब्रॉड लीव्ड एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर द हैबिटेट टू एशियाटिक ब्लैक बियर एंड इट इज फाउंड एट एलिवेशन ऑफ 4300 meters। इन पाकिस्तान नाउ ब्लैक बियर्स आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड इवन एक्सटिंक्ट इन मोस्ट नेचुरल हैबिटेट्स। इन बियर बेटिंग बियर्स आर क्रूअली एक्सप्लॉयटेड अगेंस्ट ट्रेन डॉग, बट बियर बेटिंग इज नाउ बैन इन पाकिस्तान। इट वॉज बींग प्रैक्टिस बाय सिंध एंड पंजाब प्रोविंस इन पाकिस्तान। ऑन दिस मैप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ब्राउन बियर एंड ब्लैक बियर पॉपुलेशन आर शोन। नेक्स्ट इज हिमालयन ब्राउन बियर। दे आर फाउंड इन बियाफो ग्लेशियर्स इन पाकिस्तान, वेयर एज इन चित्राल सम मेंबर्स आर आल्सो फाउंड एंड इन हुजराब नेशनल पार्क इन गिलगित बल्तिस्तान एंड इन नीलम वैली इन आज़ाद कश्मीर। इन पाकिस्तान नाउ ब्राउन बियर इज आल्सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड विद ओनली फ्यू मेंबर्स, अप टू 200 आर लेफ्ट इन वाइल्ड। द रीजन ऑफ बींग क्रिटिकली इंडेंजर्ड आर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पाउचिंग एंड बियर बेटिंग। वेर एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट बियर बेटिंग, वेर एज पाउचिंग इज द इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स। इन दिस पिक्चर इन ऑन दिस मैप ब्राउन बियर्स आर शोन बाय येलो जू इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज तिब्बतन वुल्फ। ग्रे वुल्फ की पाकिस्तान में जो है वो दो स्पीशीज सब स्पीशीज प्रेजेंट हैं, ठीक है। जो तिब्बतन वुल्फ है वो नॉर्दर्न रॉकी माउंटेनियस एरियाज में प्रेजेंट है, बल्तिस्तान, गिलगित, हुंजा, चित्राल, अपर सवात और हुंजराब नेशनल पार्क में, जबकि जो कि दूसरी स्पीशी है इंडियन वुल्फ वो साउदर्न पाकिस्तान रीजन्स में। नेक्स्ट इज कश्मीर ग्रे लंगूर विच इज प्रेजेंट इन पाकिस्तानी कश्मीर एरिया एंड इट इज एनलिस्टेड एज अ थ्रेटन स्पीशी इन IUCN रेड लिस्ट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट इज द कश्मीर रेड डियर विच इज ऑल्सो फाउंड इन द कश्मीर वैली माउंटेन्स एंड इन रिवराइन फॉरेस्ट। मारहोर इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज फाउंड इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड इन सेंट्रल पाकिस्तान ऑल्सो। रेहसिस मंकी हैज अ वाइल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज फाउंड इन मरी, सवात, गगान, आज़ाद कश्मीर, चित्राल, हजारा एंड मालाकट डिवीजन्स, सकरा माउंटेन रेंज इन मरदान एंड सिविल डिवीजन इन मारगला हिल्स। साइबेरियन आइबेक्स इज फाउंड इन कराकुरम एंड हरमोश रेंजेस एट हाई अल्टीट्यूड्स इन दियोसाई प्लेन्स, इन हुंजराब नेशनल पार्क, इन गिलगित, हुंजा, नॉर्दर्न चित्राल, चिलास एंड स्लोप ऑफ मलिका पर्वत, इन हजारा, आज़ाद कश्मीर एंड बल्तिस्तान। नेक्स्ट इज स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड इज अ स्टेट एनिमल ऑफ पाकिस्तान और ये पाया जाता है नॉर्दर्न एरियाज में, कराकुरम और हिंदू कश रेंजेस में, उसके अलावा बल्तिस्तान, चित्राल, गिलगित, अपर सवात, नांगा पर्वत स्लोप्स, उसके अलावा चित्राल गोल नेशनल पार्क और हुंजराब नेशनल पार्क में। नेक्स्ट इज वाइट बेलेड मस्क डियर। वाइट बेलेड मस्क डियर को जो है वो हम हिमालयन मस्क डियर भी कहते हैं। ये हिमालयन रेंजेस में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में, अपर सवात, हजारा और उसके अलावा जी दियोसाई नेशनल पार्क में। नेक्स्ट इज ढोल। ढोल इज आल्सो नोन एज एशियन वाइल्ड डॉग और ये जो है वो शमशाल वैली इन गिलगित बल्तिस्तान इन नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान में प्रेजेंट। हम बात करते हैं जी लेपर्ड की। लेपर्ड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मरी हिल्स, सवात, कोहिस्तान, दीर, चित्राल, एबटाबाद, लोअर गिलगित, कागान वैली, मारगला हिल्स और उसके अलावा हिमालयन माउंटेन्स है। इज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल एंड फेसेस सीरियस थ्रेट। बार्किंग डियर इज फाउंड इन मारगला हिल्स नेशनल पार्क एंड सम नंबर्स इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर। इट हैज रिस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन एरिया एंड इज आल्सो लिस्टेड एज इंडेंजर्ड स्पीशी।
So it was all about the wildlife of Gilgit-Baltistan. In next lecture, inshallah, we will study the wildlife of other provinces of Pakistan. Thank you very much.